शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक बादशाह था, वो जो भी बात करता तो वज़ीर कहता इसमें कोई बेहतरी होगी। एक दफ़ा बादशाह की उंगली कट गई। वज़ीर ने कहा कि इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। बादशाह को बहुत गुस्सा आया कि मेरी उंगली कट गई है और तुम कह रहे हो कि इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। बादशाह ने वज़ीर को जेल में डाल दिया, तो फिर भी वज़ीर ने कहा कि इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। एक रोज़ बादशाह शिकार के लिए अपने इलाके से दूर निकल गया और जंगल में ऐसे इलाके में चला गया जहाँ पर ऐसे लोग रहते थे कि वो लोग साल में एक आदमी की कुर्बानी देते थे। उन्होंने बादशाह को पकड़ लिया। जब उसको ज़िबा करने लगे तो उन्होंने देखा बादशाह की उंगली कटी हुई है। उन्होंने बादशाह को छोड़ दिया कि हम ऐसे शख्स को कुर्बान नहीं करते जो ऐबदार हो। इस वजह से उन्होंने बादशाह को छोड़ दिया। बादशाह वापस आते ही वज़ीर से बहुत खुश होता है, इसको बुलाता है और कहता है वाकई अल्लाह के हर काम में अल्लाह की कोई बेहतरी होती है। मेरी उंगली कटती थी, मेरी जान बच गई जब मैंने तुम्हें जेल में डाला, इस वक्त भी तुमने यही कहा, तुम्हारी जेल जाने में क्या बेहतरी थी। वज़ीर कहता है अगर मैं जेल में ना होता, आपने मुझे शिकार पर ले जाना था, आपकी उंगली कटी थी, आपको उन्होंने छोड़ दिया था, आपकी जगह उन्होंने मुझे ज़िबा कर देना था। अब समझ आई कि अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। ऐ इंसान, तकदीर के लिखे पर कभी शिकवा ना किया कर, तू इतना अकलमंद नहीं हुआ जो रब के इरादे को समझ सके। मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और साथ में अपनी राय का इजहार करें कमेंट्स के ज़रिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन। जज़ाकअल्लाह।